नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। अपना उत्तर प्रदेश में खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, प्रियंका गांधी चित्रकूट में एक बड़ी रैली करने जा रही है। जी हां, 17 नवंबर को चित्रकूट में कांग्रेस की महारैली की जाएगी और बुंदेलखंड के नेताओं को रैली की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रियंका गांधी की बुंदेलखंड में ये बड़ी रैली है चित्रकूट में, जहां पर बुंदेलखंड के नेताओं को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। और ऐसे में ये रैली 17 नवंबर को चित्रकूट में होने जा रही है, महारैली होगी ये। और एक बार फिर से प्रियंका गांधी विधानसभा चुनाव को देखते हुए, विधानसभा चुनाव को लेकर हुंकार भरती हुई चित्रकूट से नजर आएंगी। तो आपको बता दें कि लगातार विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी प्रियंका गांधी हर रोजाना कहीं ना कहीं पहुंचकर जिलों का दौरा कर रही हैं। पूरी तरह से एक्टिव वो हो चुकी हैं और पूरी जिम्मेदारी चुनाव की उन्होंने अपने कंधों पर उठा ली है। और इसी कड़ी में चित्रकूट वो पहुंचेंगी, जहां पर 17 नवंबर को चित्रकूट में ये कांग्रेस की महारैली होने जा रही है। साथ ही आपको बता दें, बुंदेलखंड के नेताओं को रैली की जिम्मेदारी सौंपी गई है। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राज बहादुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राज बहादुर, 17 नवंबर को कांग्रेस की ये महारैली होने जा रही है, क्या कुछ अपडेट? जी, लखनऊ से यहाँ पे प्रोटोकॉल आ चुका है कि यहाँ 17 तारीख को प्रियंका गांधी जी को संबोधित करेंगी। तो आपको बता दें, प्रियंका गांधी चित्रकूट में बड़ी महारैली करने जा रही हैं। 17 नवंबर को चित्रकूट में कांग्रेस की महारैली होगी, जहां पर बुंदेलखंड के नेताओं को रैली की जिम्मेदारी दे दी गई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया राज बहादुर इस तमाम जानकारी के लिए। तो ऐसे में आपको बता दें, विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से कांग्रेस एक्टिव हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हुए रुख करेंगे कुछ और खबरों का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार करीब 1:15 बजे सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित हो रहे सम्मान समारोह में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में सीएम योगी ने कहा कि 1857 की क्रांति की धारा को मैं नमन करता हूं, साथ ही यहां आए पैरालंपिक खिलाड़ियों का स्वागत करता हूं। अपने संबोधन में सीएम योगी ने कहा कि कोरोना महामारी के बावजूद मोदी अनुराग ठाकुर के नेतृत्व में भारतीय खिलाड़ियों का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है और सभी को ऐसे खिलाड़ियों का स्वागत करना चाहिए। वहीं इसके अलावा सीएम योगी ने कहा कि सभी प्रशिक्षक को भी 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, जहाँ उन्होंने कहा कि सरकार ने 4.5 साल में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम बहुत ज्यादा किया है। मैं सबसे पहले 1857 की क्रांति का बिगुल फूंकने वाली मेरठ की इस क्रांति की धारा को नमन करते हुए देश के कोने कोने से यहां पर उपस्थित सभी पैरालंपिक खिलाड़ियों का हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, कोरोना महामारी के बावजूद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के प्रेरणा से, उनके प्रोत्साहन से और केंद्रीय खेल और युवा मंत्रालय के मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी के नेतृत्व में टोक्यो ओलंपिक में और टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने जो कार्य किया है, जो प्रदर्शन किया है, वो अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव गुरुवार को मुजफ्फरनगर पहुंचे, जहां अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी और योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार ठोको नीति पर काम कर रही है और सपा सरकार बनते ही पिछड़ों की गिनती कराई जाएगी। अखिलेश यादव ने कहा कि जल्द ही सपा का कोई दलों से गठबंधन होगा। वहीं इस दौरान अखिलेश यादव ने सीएम योगी को बाबा मुख्यमंत्री बताते हुए कहा कि वो खुद
पलायन कर उत्तराखंड से आए हैं। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी सरकार ने बिजली भी महंगी कर दी है और अगर सपा सरकार बनेगी तो सिंचाई मुफ्त की जाएगी। तो ऐसे में आपको बता दें, आज अखिलेश यादव मुजफ्फरनगर पहुंचे थे जहां पर साफ तौर पर उन्होंने बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया है। मुख्यमंत्री जी को ये चिंता करनी चाहिए कि उनके दल में बड़ी संख्या में उनसे सीनियर नेता थे जिन्होंने बहुत संघर्ष किया और वो चाहते थे कि उन्हें मौका मिले मुख्यमंत्री बनने का, लेकिन तमाम भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेताओं को ओवरटेक करके मुख्यमंत्री जी खुद बन गए। और अगर पलायन न उनका हुआ होता खुद का, तो शायद उत्तर प्रदेश के 5 साल बच गए होते। और 5 साल में इसलिए बोल रहा हूँ, डायल 100 क्या सुधार लेकर आया ये सरकार? डायल 100 में कौन सा नया फैसला ले लिया उन्होंने? केवल नाम बदल दिया, डायल 112, क्या गाड़ियों की संख्या बढ़ाई? एम्बुलेंस जो 108 102 थी, क्या संख्या बढ़ाई एम्बुलेंस की? किसानों को कहा कि आय दोगुनी होगी क्योंकि इन्हें आय दोगुनी न देनी पड़ जाए, इसलिए पलायन का शब्द है। इन्हें जो तय किया है 340 रुपये गन्ने के प्रति क्विंटल, एक भी पर्ची पर 340 नहीं लिखा है क्योंकि किसान पूछ ना ले उनसे, इसलिए वो पलायन की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजा हुआ है। जहां मेरठ में सीएम योगी आदित्यनाथ है, तो वहीं पड़ोसी जिले में मुजफ्फरनगर में पूर्व सीएम अखिलेश यादव है, कांटे की टक्कर है। दोनों ही जगह प्रोग्रामों का आयोजन हो रहा है। यहाँ पर किस तरीके की व्यवस्था आपको एक बार कैमरामैन से कहूंगा दिखाएं कि काफी जो भीड़ है वो पहुंच चुकी है। अपने प्रिय नेता अखिलेश यादव का इंतजार यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं और यहाँ तमाम जो आसपास के नेता है, पश्चिम उत्तर प्रदेश के नेता है, तमाम लोग पहुंच चुके हैं। 3 मंच यहाँ पर बनाए गए हैं। हालांकि भीड़ ज्यादा है तो इसलिए मंच दिखाई नहीं देंगे, लेकिन मेरे साथ यहाँ पर स्थानीय जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के बड़े नेता है जुटेंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मेरे साथ पूर्व मंत्री रहे हैं हाजी इसरार सैफी, मेरे साथ मौजूद है। हाजी जी, ये बताइए आज आपका यहाँ प्रोग्राम है, लोकदल से गठबंधन के बाद शायद पहला प्रोग्राम आपके नेता का है, तो किस तरीके की तैयारी है और कैसे आप बीट करेंगे भाजपा को? महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है और दूसरा हिंदुस्तान के अंदर जो इन्होंने हिंदुत्व का कोशिश की है, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने उस हिंदुत्व को ख़त्म करके हिंदू मुस्लिम की मिसाल कायम करने के लिए यहाँ बढ़ाना के अंदर जो आप देख रहे हैं जन सैलाब है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सब एक साथ लगे हुए हैं, इस वजह से हिंदुस्तान के अंदर महंगाई ने कमर तोड़ दी है, गरीब तबका परेशान है, इस वजह से ये प्रदेश के अंदर बदलाव की आंधी चल गई है। और आप देख रहे हैं ये जन समूह जो है ये आने वाले टाइम के अंदर साबित कर देगा यूपी के अंदर अखिलेश यादव की सरकार गठबंधन की सरकार बनने जा रही है यहाँ पर। अच्छा, अनुराग ठाकुर मेरठ में आए हुए हैं, वो कह रहे हैं कि आप तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं जिन्ना का बयान दे करके। अब ये बीजेपी के लोग खुद तुष्टिकरण करके हमें, हम लोगों को इल्जाम लगाते हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है। अच्छा, अनुराग ठाकुर को जानते हैं आप? जो दिल्ली में जिन्होंने बयान दिया था वो अनुराग ठाकुर है, वो कह रहे हैं तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं। अडवाणी जी उनके बाजार पे जाते हैं उनकी तारीफ करते हैं, जसवंत सिंह जी उनके यहाँ जाते हैं वो करते तारीफ करते हैं, मोदी जी वहाँ जाके बिरयानी करते हैं, जीना जी की तारीफ करते हैं। तो इन लोगों के कोई, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, झूठे लोग हैं। इन लोगों ने 4.5 साल में कुछ नहीं किया। आदिल भाई आपने बहुत कुछ किया था, लेकिन सत्ता से बाहर कैसे हो गए? नहीं, आप ऐसे ना पब्लिक क्या है, इनके झूठे उसमें आ गए। अब पब्लिक सब समझ चुकी है, अब गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। आप देखो कितनी बड़ी एक जनसभा, एक रैली हो रही है और रेला एक भाजपा की वहाँ रैली है। हमें सब बसें नहीं दी उन्होंने, सब जगह आसपास के जिलों से बसें नहीं दी आपका, बसें रोक दी सब। आरटीओ से उन्होंने कह दिया, जो प्राइवेट यूनियन के अध्यक्ष थे उनसे कह दिया आपकी समाजवादी पार्टी वालों कोई बसें देंगे। हमने ट्रैक्टर ट्रॉली से, छोटे हाथी से, गाड़ियों से सब यहाँ पब्लिक आई है। इन लोगों ने सोचा कि बहुत बड़ी रैली होगी, इन लोगों को बस नहीं दें। अच्छा, एक बात तो है कि इस बार समाजवादी पार्टी काफी कॉन्फिडेंट है क्योंकि तब से लोकदल से गठबंधन हुआ है और खास तौर से जो किसानों का आंदोलन है उसका फायदा कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को मिल सकता है। ऐसे में समाजवादी लोग मानकर चल रहे हैं कि अखिलेश यादव ही उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन देखना होगा कि आने वाले चुनाव के बाद
बाद जो परिणाम आते हैं उसमें जो जो नेता है, चाहे सपा का हो या भाजपा का हो या बसपा का हो या लोकदल का, कौन नेता जीत में रहता है, किसकी सरकार बनती, चूंकि इस बार देखा जा रहा है कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी की सीधे तौर पर टक्कर भाजपा से है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की अगर बात की जाए तो इस वक्त बहुजन समाज पार्टी का उत्तर प्रदेश के अंदर कोई बड़ा एक्टिविटी, कोई प्रोग्राम नहीं दिख रहा है। इसके चलते माना यह जा रहा है कि सपा और भाजपा की टक्कर है, लेकिन देखना होगा आखिर कौन मुख्यमंत्री होगा। मुजफ्फरनगर से अपने सहयोगी रिहान के साथ मैं मनोहर चौहान, न्यूज़ ऑन इंडिया, बुढ़ाना। तो देखा आपने किस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। उधर सपा की बात की जाए तो सपा लगातार बीजेपी को घेरती नजर आ रही है कि चार साढ़े चार साल में बीजेपी की तरफ से कुछ भी काम नहीं किया गया और कुछ भी जो है जनता से जितने वादे किए थे वो सभी झूठे कहीं ना कहीं साबित हुए हैं। साथ ही साथ महंगाई पर अब बीजेपी सरकार को विपक्ष पूरी तरह से घेर रहा है। वहीं आपको ये भी बता दें कि अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी अपने विकास काम कार्यों को लेकर आगे बढ़ती जा रही है, अपने विकास के कार्यों को गिना रही है। तो ऐसे में विधानसभा चुनाव अब उत्तर प्रदेश में बेहद नजदीक है। बड़ी बड़ी रैलियां की जा रही हैं, जनसभाएं आयोजित की जा रही है। साथ ही आपको बता दें तमाम वादे जनता से किए जा रहे हैं और ऐसे में तो हरीशचंद श्रीवास्तव बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ यहां पर जुड़ चुके हैं। हरीशचंद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर। जी जी नमस्कार। हरीशचंद जी आज मुजफ्फरनगर पहुंचे थे अखिलेश यादव, हालांकि मेरठ में योगी आदित्यनाथ भी रहे, लेकिन अखिलेश यादव ने वहां पर एक बात कही कि बीजेपी सरकार ठोको नीति पर काम कर रही है और ये कोई पहला दफा नहीं है। हरीशचंद जी इस तरह के आरोप आपकी पार्टी पर लगने आए हैं। देखिए समाजवादी पार्टी की जो सरकार थी 2012 से 17 विधानसभा चुनाव तक तो उत्तर प्रदेश में अराजकता की पर्याय रही है। जिस तरह से माफिया तंत्र पूरी तरह से हावी था और अराजक तत्व पूरी तरह से हावी थे वो उसकी एक पर्याय बन चुकी थी। इसलिए उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने उस सरकार को खारिज करने का काम किया था। श्रीमान अखिलेश यादव जी की सरकार की जो कार्यशैली थी वो उत्तर प्रदेश की जनता सम्मानित जनता को अभी भूली नहीं है। तो ऐसे में श्रीमान अखिलेश यादव की जो ये बातें हैं वो उनको केवल एक हताशा से उभरने का एक प्रयास नहीं। तो हरीशचंद जी यानी कि जिस तरह से अभी आप कह रहे हैं कि अराजकता थी जब सपा की सरकार थी तो अभी कुछ नहीं है क्या? अभी पूरी तरह से अगर अपराध की बात कर ली जाए तो अपराध पर पूरी तरह से लगाम लग चुका है उत्तर प्रदेश में। हेलो जी हरीशचंद जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ हरीशचंद जी मैं सवाल ये कर रही थी कि अभी आपने जिस तरह से कहा कि 2017 से पहले अराजकता बहुत ज्यादा थी तो क्या अब उत्तर प्रदेश में अगर आपराधिक घटनाओं की बात कर ली जाए तो क्या वो खत्म हो चुकी हैं? अब अपराध का ग्राफ बिल्कुल जीरो पर पहुंच चुका है। अपराध को अपराधियों को की कमर तोड़ने का काम योगी सरकार ने किया, जिस तरह से माफिया राज के सफाए का काम किया है वो अपने आप में अभिनंदनीय है। और अब कोई भी माफिया और अपराधी न तो किसी की जमीन पे कब्जा कर सकता है न किसी के साथ सरेआम गुंडई बदमाशी कर सकता है। तो उसको जिस तरह से अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई है, भ्रष्टाचारियों खिलाफ सख्त कार्रवाई है, यानी कि हरीशचंद जी आपकी आपकी बात से कहा जा सकता है कि अपराधियों पर तो आपने लगाम लगाई लेकिन शायद आप उत्तर प्रदेश की पुलिस पर नहीं लगाम लगा पा रहे हैं। नहीं देखिए उत्तर प्रदेश की पुलिस हो या कोई अधिकारी कर्मचारी हो कहीं अगर किसी की कर्तव्य निष्ठा में कोई कमी पाई गई तो सरकार ने उसके खिलाफ त्वरित और कड़ी कार्रवाई की। नहीं ठीक है हरीशचंद जी कार्रवाई तो हर मामले में होती है चाहे सरकार किसी की भी हो, कार्रवाई हर मामले में होती है, लेकिन क्या कार्रवाई करना इन तरह के मामले बंद कर देगा? क्योंकि अगर कासगंज की बात की जाए तो फिर से एक बार उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है वो सवालों के घेरे में है। देखिए ये योगी सरकार ही है जिसमें IAS पे भी 302 के मुकदमे दर्ज हुए हैं और IPS पे भी दर्ज हुए हैं और पुलिस के इंस्पेक्टर पे भी दर्ज हुए हैं। तो ये निर्णायक सरकार है, अगर किसी ने आपराधिक कृत्य किया है तो उसके खिलाफ अपराधियों जैसी ही कार्रवाई सरकार ने किया है। चलिए ठीक है
ठीक है हरीशचंद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ऐसे में आज आपको बता दें विधानसभा चुनाव नजदीक है। अखिलेश यादव मुजफ्फरनगर पहुंचे जहां पर एक बड़ी विशाल जनसभा का आयोजन किया गया था, और ऐसे में वो आपको बता दें कि बीजेपी सरकार को पूरी तरह से घेरते हुए नजर आए। कासगंज पुलिस हिरासत में अल्ताफ की मौत के मामले के बाद उत्तर प्रदेश में राजनीति गर्माने लगी है। वहीं कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने मामले में कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि क्या उत्तर प्रदेश में मानव अधिकार नाम की कोई चीज बची है। वहीं कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट करके पुलिस कस्टडी में मौत की घटनाओं पर बयान दिया है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि पुलिस कस्टडी में मौत जैसी घटनाओं से साफ है कि अब उत्तर प्रदेश में भक्षक ही भक्षक बन चुके हैं। उत्तर प्रदेश में पुलिस हिरासत में मौत का आंकड़ा सबसे ऊंचा है। बीजेपी राज्य में कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से ध्वस्त हो चुकी है। साथ ही बसपा मुखिया मायावती ने कहा कि कासगंज पुलिस की कस्टडी में एक और युवक की मौत अति दुखद एवं शर्मनाक है। सरकार की ओर से घटना की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों को सख्त सजा दी जाए और पीड़ित परिवार की मदद की जाए। गाजियाबाद में गुरुवार को माता अन्नपूर्णा की मूर्ति पहुंच रही है, और ऐसे में देश की धरोहर देश में पहुंच रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की, आप भी सुनिए। प्रधानमंत्री के अथक प्रयासों के बाद आखिरकार अन्नपूर्णा की मूर्ति गाजियाबाद पहुंच रही है। हमारे साथ जनरल वीके सिंह जी मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, लगभग 100 साल बाद देश की धरोहर देश को मिल रही है, किस तरह से महसूस कर रही है देश की जनता? देखिए, पूरे देश के अंदर उत्साह, मेरे अकेले की बात नहीं है, आपके अंदर भी उत्साह है, इनके अंदर भी उत्साह है। ये देखिए कितना है, कितना उत्साह दिख रहा है। अगर विरोधियों की बात की जाए तो उनका कहना है कि चुनावी मुद्दे बनाने के लिए क्या जा रहा है, उनको क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, अगर अपनी धरोहर को के स्वागत को भी विरोधी कुछ और मानते हैं तो सिर्फ वो विरोध के बारे में ही सोचते हैं और कुछ नहीं सोचते। उनको बोलिए थोड़ी अपनी मानसिकता ठीक करें। अच्छा सर, इसके अलावा जानना चाहेंगे जो आज है, कितने जिलों से होते हुए माता अन्नपूर्णा की मूर्ति आ रही है? 19 जिले हैं जिनमें से होती हुई माता की मूर्ति निकल रही है, और 15 तारीख को इनकी पुनर्स्थापना होगी काशी। तो बिल्कुल, देखिए हमारे साथ है जनरल वीके सिंह जी, जिन्होंने बताया कि माता अन्नपूर्णा की मूर्ति किस तरह से गाजियाबाद आ रही है और उसके बाद काशी पहुंचेगी। गाजियाबाद से जितेंद्र गौतम, न्यूज वर्ल्ड। गोरखपुर में पुलिस की गुंडागर्दी सामने आई है, जहां पुलिस के एक व्यवसाय को पारिवारिक विवाद के चलते पुलिस चौकी बुलाया और फिर भद्दी भद्दियां गालियां दी, साथ ही उसे जेल भेजने की धमकी भी दी। वहीं खबर मिलने के बाद कई व्यवसाय थाने पहुंचे और जमकर बवाल किया। वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे और मामले को शांत करा दिया। तो गोरखपुर का ये पूरा मामला है जहां पर व्यवसायी को जेल भेजने की धमकी पुलिस की तरफ से दी गई। एक बार फिर से पुलिस की ये गुंडागर्दी सामने आई है। बिजनौर के मंडावर थाना क्षेत्र के गांव डेवलगढ़ में गुरुवार सुबह नाव पलटने से हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक क्षेत्रीय किसान गंगा की दूसरी ओर खेती करने के लिए नाव से जा रहे थे कि इसी बीच नाव पलट गई। वहीं हादसे के बाद स्थानीय पुलिस और गांव के गोताखोरों ने नदी में डूबे लोगों को बचा लिया। हालांकि इस हादसे में 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। प्रातः 9:15 बजे के बीच में मंडावर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम राजा रामपुर की गंगा को पार करते समय 15 ग्रामीण नाव पलटने से डूब गए। सूचना प्राप्त होते ही तत्परता से थाना मंडावर पुलिस और अधिकारीगण मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों की मदद से सभी को सकुशल बाहर निकाला गया, जिसमें 2 ग्रामीणों की ठंड के कारण तबीयत कुछ खराब सी लग रही थी, जिनको जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, उनका इलाज चल रहा है, दोनों ठीक हैं इस समय।
कानपुर देहात के जटियापुर गांव में प्रस्तावित नगर पंचायत सिकंदरा के लिए मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर और कहना गौशाला नहीं बनने देने को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही मामले में ग्राम प्रधान बबलू कुशवाहा को अपना ज्ञापन सौंपकर जिला प्रशासन को अवगत कराने की मांग की। वहीं इस मामले में नगर पंचायत सिकंदरा के अधीक्षाधिकारी संदीप कुमार का कहना है कि ग्रामीण मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर का ग्रामीणों को गलत अर्थ बताया गया है और वहां नगर से जाने वाले मटेरियल को अलग अलग हिस्से में छटनी कर उन्हें रखा जाएगा, जिसके लिए ग्राम सभा की बैठक में उक्त भूमि का प्रस्ताव किया गया है। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। वहीं इस मुठभेड़ में पुलिस ने शोएब नाम के एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। वहीं खबरों की माने तो ये शातिर बदमाश वाहनों की चोरी कर नेपाल पे बेचने के काम करता था। साथ ही ये शातिर चोर अपनी सुरक्षा के लिए अपने पास अवैध असला भी रखता था। वहीं मथुरा के कस्बा शेरगढ़ में लोगों ने एक बंदर की मौत के बाद उसका धूमधाम से अर्थी निकालकर अंतिम संस्कार किया। बंदर के इस अंतिम संस्कार को देखकर हर कोई अचंभित रहा। वहीं इस अंतिम संस्कार का वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि बंदर गांव के देवी मंदिर में रहता था, लेकिन कई दिनों से अस्वस्थ था, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। और इस तरह से तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से गुब्बारे लगाकर उसका अंतिम संस्कार किया गया, उसकी अंतिम यात्रा निकाली गई। जी क्या वो आता है इनके साथ? ये इसको जो बीमार चल रहा है 10-15 दिन से जी, आज सुबह इसने सेब खाई है जी, और सेब खाने के बाद एक घंटे बाद इसकी मृत्यु हो गई अकस्मात। तो किस चीज से मृत्यु हुई है? अकस्मात हुआ है। किस जगह? ये मंदिर में हुआ, देवी मंदिर में। अच्छा, देवी मंदिर का। नोएडा के सेक्टर 63 और फेज 2 में अलग अलग दो कंपनियों का संचालन करने वाले कंपनी मालिक शुभ गौतम और उनकी कंपनी में काम करने वाले कई कर्मचारियों ने धोखाधड़ी कर करोड़ों रुपए हड़पने और बैंक से फर्जीवाड़ा कर बड़ी रकम लेकर धोखाधड़ी करने की शिकायत न्यायालय से की थी। वहीं कोर्ट के आदेश पर कोतवाली फेज 2 में महज 11 दिनों में आरोपी के खिलाफ 4 FIR दर्ज की गई है। यूपी के पीलीभीत में बीते दिनों मामूली बात को लेकर एक पक्ष ने गांव के ही एक बुजुर्ग के सर पर फावड़े से हमला कर उसे घायल कर दिया। वहीं घटना की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया। वहीं इस घटना के एक हफ्ते बीत जाने के बाद भी पुलिस ने घायल बुजुर्ग का ना तो मेडिकल कराया ना ही कोई एक्सरे कराया। अपने दरवाजे पर तम्बाकू रगड़ रहे थे, इतने में हमने ऐसे फटकारी तम्बाकू और खाली और सालिग्राम और सालिग्राम के पिताजी शिवचरण लाल सूरज प्रसाद सूरज लाल ने हमारे पिताजी के फरुओ मार दिया और पिता और उनके जो है झगड़ा हो गया तम्बाकू रगड़ने की बात है। हाँ, तम्बाकू रगड़ने के पे झगड़ा हो गया। हाँ, फरुआ मार दिया। वो ये कह रहा था कि हमें देख के साले ताली बजा रहे हो और हमने तमाकू खाई थी और हम उनसे कह रहे थे कि हमने तमाकू खाई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।